दोस्तों आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करून एपिसोड नंबर 217। ओह माय गॉड, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, 217 एपिसोड हो गए हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब 217 वीक्स से हम कर रहे हैं, मतलब कम से कम चार साल से भी ज्यादा आस्क करून कर रहे हैं। वैसे दोस्तों टाइम के ऊपर से याद आया, मार्क में आपने फॉलो किया क्या? नहीं मुझे, जी हाँ। अब इस टाइम का जो मार्क फीचर्ड फोटोग्राफर है या फिर जिसने फोटोज अपलोड किए हुए मार्क के ऊपर, वो है प्रत्युष रंजन। कांग्रेचुलेशंस, वैसे आपको भी करना है तो लिंक दे रहा हूँ मार्क ऐप की, जरूर जाके देखिएगा एंड आपके जगह के कुछ अच्छे अच्छे फोटोज डालिए। मैं डेफिनेटली चेक करता हूँ, सब चेक करता हूँ, जो अच्छे लगते हैं उनको हार्ट्स लाइक्स भी देता हूँ, कभी कभी रिप्लाई भी कर देता हूँ। या चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल आता है शंतनु महाजन से, पूछते हैं सर ईगरली वेटिंग फॉर योर बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 25 और 30 के, मिड मार्च में आ रहा है ये जो, क्योंकि बहुत सारे फोन्स उस प्राइस रेंज में 20 to 25, 25 to 30,000 इस प्राइस रेंज में आने वाले, तो एक बार सब ये जो है वो लॉन्च हो जाए उसके बाद में करते हैं, ताकि यू कैन टेक प्रॉपर राइट डिसीजन। इनफैक्ट अंडर 20, अंडर 25 एंड अंडर 30 ये तीनों भी वीडियो जो है आने वाले हैं मार्च में, सो वेट फॉर देम। किरण बिरादर पूछते हैं आपने ट्रैकिंग ये नाम क्यों रखा एंड व्हाट वाज़ द रीजन बिहाइंड दिस एनी स्टोरी? यार स्टोरी नहीं, देखिए मैं जब यूएस में था ना, आई वांटेड टू कम बैक टू इंडिया एंड बेसिकली मैं ट्रैक कर रहा था, ट्रैकिंग TRACK जिसे कहते हैं, आई वॉज ट्रैकिंग टेक एंड बिजनेस इंडस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि मुझे आना था और मेरा खुद का चालू करना था, तो ट्रैकिंग बिजनेस, ट्रैकिंग टेक ऐसे जो है, लेकिन वो जो वर्ड है TRACK वो मुझे मिला नहीं डोमेन, तो हमने track.in ऐसे ट्रैक इन रख दिया एंड दैट काइंड ऑफ बिकेम द नेम ट्रैक इन टेक। सो वी आर ट्रैकिंग टेक, हम ट्रैक कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, हम ट्रैक कर रहे हैं बिजनेस को, गैजेट्स को, सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड ट्रैक इन, ये जो ब्रांड नेम है। And I'm a student of 12th. I have to buy a new smartphone. My budget is 20K and requirements is 5G processor and RAM 6. मतलब 6GB RAM चाहिए and 5G चाहिए। है अभी यार 15,000 के भी नीचे आ गए तो 20,000, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ रुक जाइए, मार्च इज गोइंग टू बी बहुत सारे फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, हमारा अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। सो बहुत सारे फोन्स उस मिड टू थोड़ा ऊपर मिड रेंज में आने वाले हैं 20, 25, 30,000 में, सो वेट। रोग गेमिंग पूछते हैं इज देयर गोइंग टू बी अ अपकमिंग फ्लैगशिप किलर फोन अंडर 30K मीनिंग विथ हाई एंड प्रोसेसर? अभी तो 30K नीचे नहीं है, बट मैं कहूँगा समथिंग दैट कम्स क्लोज इज IQ9 SE। जी हाँ, इफेक्टिव उसकी जो प्राइस है वो कुछ 31-32,000 के करीब है एंड आई थिंक दैट इज गुड, 888 प्रोसेसर आता है, ओवरऑल अच्छा है, कॉम्पैक्ट भी है, आई थिंक आई लाइक इट, दैट कम्स क्लोज इन माई व्यू, ऐसे लग रहा है मुझे। So yeah, that's it. Froze Official, आप लोग नाम क्यों नहीं डालते हो आपका? Froze Gaming, Rogue Gaming, Froze Official, ये सब नाम नहीं, नाम वाले चाहिए। अभी से मैं कंपलसरी करने वाला हूँ कि बराबर से नाम होगा तो ही हम लेंगे सवाल, वरना ये ऐसे अतरंगी जो है ना नाम वो नहीं लेंगे। मुझे पता है YouTube चैनल होता है, YouTube का वो आपका नाम है, बट फिर भी नाम लेने में अच्छा लगता है यार, दैट इज़ फन। एनीवेज, वैसे आपको कहना चाहता हूँ बहुत सारे सवाल आते हैं हमको एंड आई कैन नॉट टेक एवरीवन सवाल, तो प्लीज़ अगर आपका नहीं लिया है पूछते रहिए, ज़रूर लेंगे, सॉरी जिनका नहीं ले सकते हैं। सर क्या आईफोन 12 या फिर उनके ऊपर के मॉडल्स में लॉन्ग टर्म गेमिंग हो सकती है या फिर उसमें बैटरी परफॉर्मेंस में डिग्रेड देखने को के लिए बहुत जल्द मिल जाता? नहीं अब तो नहीं, मुझे नहीं लगता है लॉन्ग टर्म गेमिंग आप कर पाओगे यार आईफोन 12, नो प्रॉब्लम्स। सुदर्शन स्वामी, OnePlus Nord CE 2, Realme 9 Pro Plus, Samsung M52 अदर? अरे क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो सब, हमेशा मैं कहता हूँ यार फिर भी आप ऐसे सवाल पूछ लेते हो, बट हाँ अगर ऑलराउंड के बारे में बात करूँ तो Realme 9 Pro Plus कहूँगा, अगर आपको ब्रांड इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूँगा Samsung M52 भी अच्छा है, 778 प्रोसेसर आता है एंड ओवरऑल अ प्रीटी गुड फोन M52, सो यू कैन गो ईदर ऑफ देम। अक्षय जीपी पूछते हैं, हाय अरुण एंड टीम, आई एम प्लानिंग टू परचेज मिड लेवल और फ्लैगशिप फोन, हाउएवर इट विल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग इट विल बी रिसीविंग अपडेट्स, काइंडली कंफर्म फोन एंड ब्रांड्स विच इज नोन टू प्रोवाइड लॉन्गेस्ट एंड्रॉइड एंड सिक्योरिटी अपडेट। देखिए अगर आप पिक्सेल मंगा सकते हो तो दैट इज द बेस्ट राइट, पिक्सेल फोन में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन इंडिया में पिक्सेल फोन ज्यादा आते नहीं है, बट अगर एंड्रॉइड अपडेट्स ही चाहिए, सबसे पहले ही चाहिए,
देन पिक्सेल फोन को कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट एक चीज सैमसंग ने अच्छी की है, सैमसंग ने कहा है कि अब 4 साल के अपडेट्स देने वाले हैं वो, सो वेरी गुड, फोन लेने के बाद 4 साल तक आपको अपडेट्स मिलेंगे, सो दैट इज देयर। सो सैमसंग या पिक्सेल्स। अरिजीत भट्टाचार्य पूछते हैं, जब पहले फोन्स या और कोई डिवाइस लॉन्च होते थे तब उतने रेंडर्स और लीक्स नहीं आया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे इतने लीक्स और रेंडर्स आ गए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, एक्सीलेंट। एक बात कहूँ आपसे, इट इज़ बिकम अ बिजनेस। अब दोस्तों बिजनेस हो गया, उतना ही नहीं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, और ऐसी चीज़ें जो होती है ना बहुत लोगों को अच्छी लगती है जो पहली बार दिखते हैं, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको ये रेंडर्स लीक्स वगैरह मिलते हैं। एंड इंडिया इज़ अ वेरी 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 बिग मार्केट, बहुत मार्केट है, बड़ा मार्केट है, और बहुत ज़्यादा फ़ोन्स भी लॉन्च होते हैं, तो अलग अलग फ़ोन्स के उतने सारे रेंडर्स लीक्स, और एक ही नहीं निकालते हैं, देर आर मल्टीपल पीपल जो रेंडर्स निकालते हैं, लीक्स निकालते हैं, और हम लैपअप करते हैं, आपको अच्छा लगता है, अगर आप टेक न्यूज़ देखते हो तो हम भी उसे कवर करते हैं, तो कवरेज भी उतना ज़्यादा मिलता है। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, रिमेंबर दैट। आदित्य सिंह पूछते हैं, व्हाट आर द साइंस दैट आर स्मार्टफोन इज हैक्ड, प्लीज मेक वीडियो ऑन स्मार्टफोन हैक साइंस। नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स डू दैट। करते हैं कि कैसे आपको समझ में आ जाए कि आपका स्मार्टफोन जो है वो हैक्ड है। बट आई टेल यू, कभी कभी ऐसे भी होता है, बहुत बार हैक्ड होता है और पता भी नहीं चलता है, ऊपर से कुछ पता ही नहीं चलेगा, कभी कभी फ़ोन स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, इसका मतलब सम प्रॉब्लम इज़ देयर। और चलिए एक वीडियो बनाते हैं डिटेल में, लेट्स सी, हम भी थोड़ा रिसर्च करते हैं एंड विल ब्रिंग अ फुल वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए उसके लिए, लेके आने वाले हैं आपके लिए। वैसे भी ऐसे ज़बरदस्त वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए। लेते हैं अगला सवाल, आता है आकाश कड़ियन से, Why Android smartphone brands are not focusing on compact size smartphones? I think धीरे धीरे हवाएं बदल रही है, रुख बदल रही है, धीरे धीरे compact phones आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे iPhone ऐसी सबसे छोटा सा फ़ोन है, उन्होंने ट्रेंड चालू कर दिया और धीरे धीरे 8G, Asus का 8G आ गया। अभी आप S22 का बेस वेरिएंट देखोगे, वो भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है S22, आई रियली लाइक दैट। सो धीरे धीरे ज़्यादा कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स आते जा रहे हैं, एंड आई थिंक 2022 में ये जो ट्रेंड है वो बढ़ता जाने वाला है। सो येस, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट मोर कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स, नाइस कॉम्पैक्ट फोन्स, लेकिन मिड रेंज में आने चाहिए वो। अगर आप मिड रेंज के बारे में बात कर रहे हो तो एक सही बात है कि मिड रेंज में ज़्यादा फोन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद Xiaomi लेके आने वाला है, बट जैसे मैंने बताया बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, 2022 में ज़्यादा आ जाएंगे कॉम्पैक्ट। चलिए लेते हैं अगला सवाल, आता है टेक इन से, कैन यू मेक इरशाद टॉक हिंदी ऑन आस्क करुण एपिसोड। अरे क्यों नहीं, आपने पूछा और इरशाद हो गए हाजिर, आइए आइए इरशाद जी। इरशाद को आपने इंग्लिश में सिर्फ बात करते हुए देखा होगा, ट्रैक एंड इंग्लिश में, अब हिंदी में बात कर। अरे यार मजाक मत करो मेरे साथ प्लीज। अरे बहुत उसको एक्चुअली मराठी में बात करने को बोलना चाहिए, फिर मला मराठी, ये तो आई लर्न। अच्छा आप अभी अगले सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। What is your view about OnePlus Unified OS? बताइए हिंदी में, बताओ ना, हिंदी में पूरा हिंदी, नो इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। OnePlus Unified OS obviously हिंदी ओके। देखो अभी अगला जो OnePlus का ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है वो यूनिफाइड OS ऐसे बोला गया है, और मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कलर OS और ऑक्सीजन OS का एक अच्छा मिश्रण होगा। लेकिन क्या लगता है यूनिफाइड OS कलर OS होगा ज्यादा या ऑक्सीजन UI होगा? नहीं ज्यादातर तो कलर OS ही होगा मेरे हिसाब से, लेकिन वो बुरी बात नहीं है। नहीं, इट्स नॉट अ बुरी बात एट ऑल। हमें तो हम दोनों को कलर OS एक्चुअली पसंद है तो, क्योंकि क्लीन कर दिया, फास्ट कर दिया, एकदम बढ़िया चलता है, और एंड्रॉइड 12 अपडेट भी टाइम पे है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आने दीजिए यूनिफाइड OS को, उसके बाद में देखेंगे। देखिए आपकी पूरी कर दी हिंदी में एक वीडियो भी करवाएंगे इससे डेफिनेटली। अरे रे रे रे, बस आप साथ में होगे तो मैं कर लूंगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, रुकना चाहते हो? नहीं मैं जा रहा हूँ, खाना खाने भूख लगी है। योगेश पन पाटिल पूछते हैं, सर अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ गेमिंग गैजेट्स। अच्छा गेम पैड्स वगैरह ऐसे आप कह रहे हो, डन करते हैं, वैसे भी करते हैं यार, ऐसे नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा गेमिंग गैजेट्स जो हैं ऐसे लॉन्च नहीं होते हैं, गेमिंग स्मार्टफोन आते हैं तो उसका करते हैं, तो
करेंगे करेंगे, जैसे जैसे अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आता है गेमिंग स्पेस में तो डेफिनेटली करेंगे। When is Android 13 coming? अब देखिए डेवलपर प्रीव्यू फर्स्ट आ ही गया है, मई में जो जब गूगल का इवेंट होता है बड़ा, उस टाइम शायद वो अनवील कर दे, सो मिड ऑफ 2022 में Android 13 आ जाएगा। हाय सर, आई एम रजत मिश्रा, व्हेन विल रियलमी 9 लॉन्च? मार्च में लॉन्च होने वाला है डेफिनेटली, इनफैक्ट या रियलमी 9 आ जाएगा मार्च, मिड मार्च तक आ जाएगा। हमारा अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो देखिए, कौन से फोन्स आ रहे हैं मार्च में, सब पता चल जाएंगे। आई एम भाग्या असती, मेरा सवाल ये है कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? मेरी जर्नी का आप पूछ रहे हो, आई एम होपिंग कि आप वो पूछ रहे हो कि YouTube की जर्नी का सबसे मेमोरेबल। बताऊँ आपको, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, दैट माइलस्टोन मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। आप कहोगे यार 10 मिलियन हो गए आपके, 1 मिलियन बड़ा माइलस्टोन होता है, बट जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए ना सबसे पहली बार, तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो जो कॉन्फिडेंस आया ना, दैट मेड मी रियली फील हैप्पी, क्योंकि उसके पहले 1.5 साल तक हम स्ट्रगल कर रहे थे, हर रोज वीडियो डालते थे और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते थे, व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन कभी भी हमने छोड़ा नहीं, वी वर पेशेंट, हमारी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे थे। एंड जब 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है वो आया, तो लगा वाओ, आई हैव अचीव समथिंग एंड आई बिलोंग हियर। मुझे ऐसे लगा कि यूट्यूब में मैं बिलोंग करता हूँ। सो फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माई यूट्यूब जर्नी। शाम पूछते हैं MWC का मतलब क्या है, किधर है ये? बार्सिलोना स्पेन में है MWC, यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। यहाँ पे सभी जो ब्रांड्स होते हैं, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड्स होते हैं, वो आते हैं और उनके जो लेटेस्ट इनोवेशंस वगैरह है, जो नए स्मार्टफोन्स वगैरह हैं, नए लॉन्चेस वगैरह, वो सब उधर होते हैं। सो फॉर अ टेक यूट्यूबर, टेक कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए जन्नत है वो जगह, जहाँ पे एक ही जगह पे सभी ब्रांड्स होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं। हर साल बार्सिलोना स्पेन में ही होता है, अराउंड लास्ट वीक ऑफ फेब, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। अभी भी ऐसी है, 28 से ले शायद 3rd या 4th तक होने वाला है। लेते हैं अगला सवाल। नचिकेता पूछे, व्हाट इज ड्यूक्स मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू इन ऑफिस? अगर फोन का बॉक्स दिया ना तो वो चबा डालता है उसे सब। सो बेसिकली वी हैव टू कीप ऑल द बॉक्सेस अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि आपको पता है जो भी उसके मुंह में आएगा उसको फाड़ना होता है। तो दैट इज़ हिज फेवरेट थिंग टू डू। अदर देन दैट आराम से हमारे साथ खेलता है, हम टाइम पास करते हैं उसके साथ। कभी कभी आता है, ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि फिर उसके पास ही देखना पड़ता है, उसके पीछे पीछे सब भागते हैं, काम रह जाता है बाजू को। बट या जो बॉक्सेस है ना उसे फाड़ने में उसे बहुत मजा आता है, दैट इज हिज फेवरेट थिंग टू डू। और हमारे इधर तो बॉक्सेस आपको पता है कितने ज्यादा है, फोन्स के, सब डिवाइसेस के, पूछेगा मत। नाम नहीं है लेकिन पूछा ये है कि अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेटर फ्लैगशिप नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑल, नॉट ओनली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस? आईफोन ही कहूंगा, जी हाँ, क्योंकि अब देखिए जो फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ्लैगशिप है ना, उनकी प्राइस भी 50,000-55,000-60,000 तक चली गई है, जहाँ पे आपको आईफोन 12 वगैरह अब मिलने लग गए हैं। तो मैं कहूंगा आईफोन्स, बट अगर एंड्रॉयड के बारे में बात करेंगे तो आईक्यू 9 प्रो जो अभी आया हुआ है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव चीज़ें हैं, तो वो अच्छा है। मोटो एज 30 प्रो वो भी अच्छा है। अब अभी तक मैंने सैमसंग S22 अल्ट्रा को देखा नहीं है, बट आने के बाद देखेंगे। बट दोज आर द फोन्स आई विल से, एंड दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट वेरी हाईली प्राइज, मतलब 50 के नीचे है, नहीं 50 के नीचे नहीं, आईक्यू 9 प्रो उससे ज़्यादा है, 55-60 है वो, नहीं 65 है, वही कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा आईफोन इज, क्योंकि इनके भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या आप FM रेडियो यूज़ करते हो? कभी कभार जब गाड़ी में जाता हूँ तो यूज़ कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब फोन्स पे वगैरह पूछ रहे हो तो नहीं। चलिए आज का एपिसोड 217 होता है ख़त्म इधर ही। अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं होकर दिया, शेयरिंग करना, यू नो वॉट टू डू। वैसे दोस्तों संडे है, मज़े कीजिए, आराम कीजिए, जो भी करना है सब कुछ कीजिए, लेकिन कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। हैव अ ग्रेट संडे।